चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन इज पुश्ड विद जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड द सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन आर 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी कितना होगा। तो दो सिचुएशन है, जब आपने फोर्स लगाया उस वक्त ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मास का ऑब्जेक्ट है, mg अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही, नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगा और इंटेंशन ऑफ मोशन राइट साइड में होगा क्योंकि फोर्स आपका राइट साइड में लग रहा है, तो ग्राउंड रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है और इसको ओवरकम करने के लिए आपने फोर्स लगाया अपनी तरफ से 64 न्यूटन का और ये वैल्यू म्यू एस इंटू एन के इक्वल है और ये 64 इज इक्वल टू म्यू एस 0.6 इंटू एन की वैल्यू एम इंटू जी। तो मैं एम की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो यहां से पुट करके 0.6 इंटू जी ये वैल्यू निकाल सकता हूं। अब जब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर चुका इस फोर्स की वजह से तो ये फोर्स में कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है 64 न्यूटन का वही लग रहा है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर चुका है राइट साइड में तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन होगी। ठीक है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए और वो होगा एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ की वैल्यू है 64 माइनस एफ के की वैल्यू कितनी होगी, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एफ के की वैल्यू पॉइंट, म्यू के की वैल्यू 0.4 इंटू एन की वैल्यू एम इंटू जी। तो एफ के की वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू यहां रखते हैं 0.4 इंटू एम इंटू जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम इंटू ए। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है तो ए इज इक्वल टू 64 माइनस 0.4 एम जी डिवाइडेड बाई एम। अगर मैं इसे लिख दूं 64 बाई एम माइनस 0.4 इंटू जी, एम की वैल्यू यहां पर कितनी है 64 बाय 0.6 जी, तो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 64 बाय 64 अपॉन 0.6 इंटू जी माइनस 0.4 इंटू जी, 64 से 64 गया, ए इज इक्वल टू 0.6 जी माइनस 0.4 जी, ए की वैल्यू 0.2 जी के इक्वल आई। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।